करते हैं जिस चर्चा की हम बात कर रहे थे। सुशील कुमार मोदी पूर्व डिप्टी सीएम बिहार इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं और ब्रजमोहन सिंह इनपुट एडिटर न्यूज 18 बिहार झारखंड उनसे कई ऐसे सवाल पूछेंगे जो इस कोरोना काल में वित्तीय आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद जरूरी है और इसकी जानकारी भी जनता को मिलना बेहद जरूरी है। ब्रजमोहन जी ओवर टू यू। भारत कोरोना महामारी के खिलाफ एक निर्णायक जंग लड़ रहा है। इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस तरह से पड़ा है, इसका असर रोजगार पर किस तरह से पड़ा है, इसका असर लोगों की जिंदगी पर किस तरह से पड़ा है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड में। जी सुशील मोदी जी, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो आपसे सवाल यही है कि देश ने पिछली बार कोविड के खिलाफ एक मुकम्मल लड़ाई लड़ी, लेकिन इस बार राज्यों के बीच जो समन्वय जिस तरह का होना चाहिए उसका साफ तौर पे अभाव दिख रहा है। एक जो आपसी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम दिल्ली में सुशील कुमार मोदी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद हमारी आवाज उनको नहीं मिल पा रही है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त है भारत के लिए और खासकर बिहार के लिए जहां कोरोना की लहर काफी तेज है। हालांकि पिछले कुछ समय से जो सक्रिय केसेस उनको हमारी आवाज नहीं मिल रही है इस वक्त, लेकिन ये जो बातचीत है सुशील कुमार मोदी से इसलिए जरूरी है क्योंकि वो काफी लंबे अरसे तक बिहार की राजनीति में रहे हैं, शीर्ष पोजिशन पर रहे हैं, नीति निर्माता के तौर पे काफी उनकी भूमिका बढ़ जाती है बिहार की राजनीति में और जिस तरह से उनकी भूमिका रही है भारतीय राजनीति में। तो हमारे साथ दिल्ली से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन शायद मुझे लगता है कि टेक्निकल कुछ ग्लिच है, इस वजह से उनका ऑडियो हमें नहीं मिल पा रहा इस वक्त। तो जाहिर तौर पे कोशिश हमारी है कि हम दिल्ली चले और सुशील कुमार मोदी से बातचीत करें, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर। कितना असर रहा है इस कोरोना का बिहार की अर्थव्यवस्था पर और जो स्थिति है खासकर यहाँ के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर और हेल्थ की जो संरचना है पूरे बिहार में, उसमें किस तरह के बदलाव होने चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं सुशील कुमार मोदी, बिहार के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सांसद बिहार के भारतीय जनता पार्टी के। तो विवेक, शायद इस वक्त आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, हम कोशिश करेंगे कि उनसे हम फिर दोबारा जुड़ेंगे सुशील कुमार मोदी जी से। मोदी जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? मोदी जी आवाज मिल रही है आपको? हम बात करने की कोशिश करते हैं सुशील कुमार मोदी जी, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? जो तकनीकी खामियां हैं उसे दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं और ये बेहद जरूरी भी है कि आज के सुशील कुमार मोदी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी सुशील कुमार मोदी जी, एक सवाल तो है कि 2020 को हमने देखा, 2021 को देखा और ये परिवर्तन जो एक बड़ा पैंडेमिक परिवर्तन है उसे हम काफी करीब से देख रहे हैं, कई लोगों को हमने खो दिया लेकिन हमारी जेब पर भी इसका एक व्यापक असर पड़ा है। आर्थिक दृष्टिकोण से इस पूरे सिनारियों को पूरे देश स्तर पर आप किस तौर पर देख पा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं जो दो मुख्य समाचार आपके चैनल पर चल रहा है मैं उस पर टिप्पणी करना चाहूंगा। जी जी। एक तो सिनारी के बारे में जी, और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है। और देखिए, हाईकोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं तो उस घटना के बाद सबसे पहले मैं घटनास्थल पर पहुंचा था, सिनारी गया था मैं और मैं अपनी आंखों से लाशों को दिखा है। और उसके बाद भी अगर किसी को सजा न मिले इससे ज्यादा न्यायपालिका के लिए दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। और मैं ये भी आपसे बताना चाहूंगी कि आखिर नरसंहार किसके राज में हुआ, किनकी सरकार थी उस समय, क्या एनडीए की सरकार थी? और केवल सिनारी नहीं, चाहे वो बाथे का हो चाहे मियाँपुर का हो, आधे दर्जन से ज्यादा नरसंहार हुए। इसमें पिछड़े वर्ग के लोग मारे गए, दलित मारे गए, ऊंची जाति के लोग मारे गए। और उस समय सत्ता में जो लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा,
उन्होंने एक और जहां रणवीर सेना को संरक्षण दिया और दूसरे ओर एमसीसी को संरक्षण दिया ताकि मार काट चलती रहे और उनके वोटों का ध्रुवीकरण बना रहे। इसलिए मैं राज्य सरकार को धन्यवाद दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। और दूसरा जो एक समाचार चल रहा आपके चैनल पर कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया, तो मैं उसके बारे में भी इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं पूरे मामले को जानता हूं। देखिए, मामला मुख्य रूप से इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस संपत्ति को जब्त कर लिया है D1008 जिसके मालिक तेजस्वी यादव और चंदा यादव बन गए थे और 4 लाख रुपए में केवल 30 करोड़ की संपत्ति पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। उसको बेनामी संपत्ति स्वीकार करते हुए इनकम टैक्स ने 2018 में D1008 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का जो शानदार 4 मंजिला मकान है उसको प्रोविजनली अटैच कर लिया है। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि कोई क्लीन चिट किसी को मिल गया। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी होती है फिर FIR दर्ज होता है। अब क्या ये तो आगे सामने आएगा तो मालूम पड़ेगा, लेकिन उसी मामले का जो इनकम टैक्स से जुड़ा मामला है उसमें ये संपत्ति जब्त हो चुकी है, इसने सामने आने दीजिए सर। ये सुशील कुमार मोदी जी, बहुत अच्छी बात है कि आप न्यूज 18 पर प्रसारित जो खबरें हैं उस पर काफी अटेंशन लेते हैं, आपका ध्यान रहता है और बहुत अच्छी बात है। और अभी के जो पैंडेमिक सिचुएशन पर हमारा जो मेन मुख्य जो सवाल है वो ये है कि हमने 2020 देखा, 21 भी देख रहे हैं, जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, उबरने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार का साथ मिल रहा है, लेकिन इस बीच में जो आर्थिक नीतियां हैं, आर्थिक दृष्टिकोण है राज्यों के बीच और केंद्र सरकार के बीच जो सामंजस्य है, जो एक पकड़ बनती जा रही है, उसे किस तौर पर आप देख रहे हैं? क्योंकि जेब भी पतली नहीं होनी चाहिए, ढीली नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए, जो पहला दौर था उसमें अर्थव्यवस्था जिस बुरी तरह से प्रभावित हुई थी तो दूसरे दौर में अर्थव्यवस्था उस तरह से प्रभावित नहीं होगी। प्रभावित अवश्य होगी, लेकिन चूंकि पहले दौर में संपूर्ण लॉकडाउन था, पूरा देश बंद था 1.5-2 महीने तक, उसका धीरे धीरे खुलना प्रारंभ हुआ, तो इसलिए जो माइनस पर ग्रोथ रेट चला गया था कि जो पहली 2 तिमाही थी वो ऋणात्मक थी और पूरे साल भर का भी जो ग्रोथ है वो कोई बहुत संतोषजनक नहीं था। तो पिछले बार वाली स्थिति नहीं है, पिछले बार से हम बहुत बेहतर स्थिति में है, अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है, लेकिन फिर भी अभी जो लोकल लॉकडाउन पूरे देश के अंदर जगह जगह हो रहा है तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो आर्थिक जो आधार है, जो हमारा बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था के जो मूलभूत बहुत मजबूत है, बहुत सुदृढ़ है। विवेक, दूसरा सवाल था इनसे, इस पहले दौर की तुलना में बेहतर तरीके से कर जो जी, लेकिन प्रायोरिटी सेट की जहां तक बात है सुशील कुमार मोदी जी, हम प्रायोरिटी सेट करने में क्या थोड़े कमजोर यहां साबित हुए हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम सेट नहीं कर पाए क्योंकि जिस जो रक्षा मद है हमारा और जो स्वास्थ्य मद है उसमें एक डिफरेंस यहां दिखता है, एक जो कहते हैं फोर्सफुली जो इंपैक्ट की बात है खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसे ज्यादा होना चाहिए था। नहीं, देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 24% से ज्यादा की वृद्धि की गई है 21-22 के बजट में, तो ऐसा नहीं कि वृद्धि नहीं की गई है, लेकिन जितनी की कल्पना थी क्या दूसरा वेव आएगा ये सब जानते हैं, लेकिन यह कल्पना नहीं थी कि वो इतनी बड़ी आंधी बनकर आई। कोई वैज्ञानिक, कोई एक्सपर्ट, कोई बता दे जिसने भविष्यवाणी की हो कि इतनी बड़ी संख्या में लोग मर जाएंगे, इतनी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो जाएंगे। तो देखिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या और सरकारें हो, सभी लोग दूसरे दौर की तैयारी में थे, लोगों ने तैयारी भी की थी, लेकिन इतना बड़ा तूफान आएगा इसकी कल्पना किसी को नहीं थी और उसका परिणाम जो होना था वो हुआ है। मेरे तो घर में खुद मेरे छोटे भाई की मौत हो गई, तो कोरोना के दर्द को मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है, जिनके घर के अंदर और मेरा छोटा भाई मेरे सामने उसकी मौत हो गई, हम बचा नहीं पाए। तो लेकिन सभी सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है और बिल्कुल प्रयासों पर कोई सवाल नहीं है कि प्रयास सरकार अपनी तरफ से नहीं कर रही है। आपको ऐसा लगता है कि जहां तक मॉनिटर की बात है, ग्राउंड लेवल पर जो काम हो रहा है उसे ज्यादा से ज्यादा मॉनिटर करने की जरूरत है? हमने देखा कि हमने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी दिखाई जिसमें जहां कमियां थी उस पर एक्शन भी लिया गया, तुरंत एक्शन लिया गया सचिव स्तर पर। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे अभी तक हम ये कह रहे हैं कि हम डेवलप कर रहे हैं,
जनता ये पूछना चाहती है, जनता का जो सवाल है इस बात को लेकर कि अभी तक क्यों नहीं, अभी तक कोशिश की बात हम क्यों करते हैं? देखिए आज ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं, देश में और बिहार में था, आज मैं दावा कर सकता हूं कि किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। दूसरी है, लेकिन अब नई चुनौती आ गई ब्लैक फंगस की, और ब्लैक फंगस की जो दवा पांच नई कंपनियों को 20 दिन पहले, क्या आपने ब्लैक फंगस का नाम सुना था? मैंने सुना था क्या? मैंने तो नाम भी नहीं। वायरस है, रोज रूप बदल रहा है और बहुत ही आक्रामक है, तो आगे कौन सी नई चुनौती आ रही प्रभावित नहीं हुए थे, लेकिन दूसरे चरण के अंदर बड़ी संख्या में बच्चे प्रभावित हुए हैं, जो मध्य उम्र के नौजवान है, जो नौजवान है वो प्रभावित। स्वास्थ्य का जो ढांचा है, तो आज अमेरिका जैसा देश, यूरोप जैसा देश है, वो भी चरमरा गया, वहां भी लाखों लोगों की मौत हो गई, तो जो दुनिया में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिनका लोहा माना जाता है यूरोप अमेरिका के देश, पहले दौर में वहां क्या हुआ वो भी। सुशील कुमार मोदी जी हमारे साथ पटना से, पटना स्टूडियो से हमारे इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह भी मौजूद हैं और उनका भी कुछ सवाल है इसी बातों को लेकर, क्योंकि देखिए चिंतित तो हम भी हैं, आप भी हैं उतने ही, और एडिटर जो हमारे बैठे हुए हैं इनपुट एडिटर पटना में, वो उन चीजों को देख पा रहे हैं, क्योंकि जब वो रिपोर्ट को रिलीज करते हैं तो काफी हिम्मत रखना पड़ता है। अपना सवाल पूछ सकते हैं ब्रजमोहन जी। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि जो पीएम केयर फंड की तरफ से वेंटिलेटर दिए गए उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, ऑक्सीजन के वितरण को लेकर भी राज्यों के बीच में असंतोष देखने को मिला, तो इस तरह की स्थिति क्यों बनी पूरे देश में? इस तरह की स्थिति क्यों बनी पूरे देश में? सुशील कुमार मोदी जी आपको आवाज आई? नहीं आवाज नहीं है जी। सवाल ये है, खासकर जो ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी, उसकी व्यवस्थाओं को लेकर, राज्यों के सामंजस्य को लेकर यह सवाल है मिला जुला, और यह कहा जा रहा है कि पीएम केयर फंड की तरफ से जो वेंटिलेटर मशीनें दी गई थी आज उसकी जरूरत थी, लेकिन उसे डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर उसके जो टेक्नीशियंस हैं उनकी कमी को दूर करने में क्यों बिहार सरकार फेल हो गई? नहीं देखिए, ये केवल बिहार का मामला नहीं है, सभी राज्यों का मामला है, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो या महाराष्ट्र हो। देखिए इसमें टेक्नीशियन का मामला नहीं है, डॉक्टर्स चाहिए और डॉक्टर्स भी एनेस्थेटिक मैकेनिक की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए ट्रेंड डॉक्टर्स की आवश्यकता है, और हमारे देश में डॉक्टर्स की कितनी कमी है। और मैं तो जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने 15 साल राज किया, एक मेडिकल कॉलेज खुला क्या? आपकी जानकारी के लिए 2005 में जब हम लोग की सरकार बनी, तब जाकर बिहार में 5 नए मेडिकल कॉलेज, और नहीं तो 30 साल में एक भी नया मेडिकल कॉलेज बिहार में नहीं खुला। अगर एक भी नया मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेगा तो डॉक्टर कहाँ से मिलेंगे आपको? बिहार में कोई नर्सिंग कॉलेज था क्या? 50 साल में बिहार में एक भी नर्सिंग कॉलेज नहीं था, सारी नर्सेस केरल से आती थी, दक्षिण से आती थी। तो हम लोगों ने आने के बाद नर्सिंग कॉलेज हर मेडिकल कॉलेज में प्रारंभ किया है। तो देखिए ये कोई 5-10 साल के अंदर आप पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं कर सकते, और फिर बिहार जैसा राज्य जहाँ बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, तो अगर आपके पास 100 रुपया सड़क पर करेंगे कि शिक्षा पर करेंगे कि हेल्थ पर करेंगे, तो यानी ये प्रायोरिटी तय करना आसान काम नहीं है। अगर आप हेल्थ पर खर्च करेंगे तो सड़क की उपेक्षा हो जाएगी, लेकिन आज अब सड़क और बिजली पर जो हम लोगों ने खर्च कर दिया, अगर बिजली नहीं होती तो क्या ये वेंटिलेटर चल पाते क्या? अगर 24 घंटे बिजली की व्यवस्था अगर हम लोगों ने नहीं की होती और केवल अस्पताल बना दिया होता, तो क्या अस्पताल के अंदर आपको 24 घंटा लेकिन सुशील कुमार मोदी जी, सवाल तो ये है, ठीक है अस्पताल बनाए गए, अस्पताल के ढांचे भी कई जगह पर ऐसे बने हुए हैं, उन पर ताले लगे हैं, जो अस्पताल है उनमें ऑक्सीजन पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है। फिर सवाल वही है कि आखिर मशीनें क्यों रखी गई? डॉक्टरों से यही सवाल हम करते हैं तो वो कहते हैं कि टेक्नीशियंस नहीं है।
अब टेक्नीशियंस वाली बात हमने छेड़ दी तो फिर डॉक्टरों की बात है और आज भी डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टर दूसरे 13 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का काम प्रारंभ हो गया और 5 नए मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने खोल दिया, तो क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज बना? अब अगर मेडिकल कॉलेज नहीं बना तो केरल का डॉक्टर तो बिहार में काम करने नहीं आएगा, यूपी का तो काम करने नहीं आएगा। और देखिए डॉक्टर की कमी देश के अधिकांश राज्यों में है, केवल दक्षिण के और पश्चिम के कुछ राज्यों को छोड़ दे तो चाहे यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, सारे राज्यों के अंदर डॉक्टर्स की भारी कमी है। और इन वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए डॉक्टर्स चाहिए, ये कोई सामान्य मिस्त्री का काम नहीं उसको चलाना, क्योंकि मरीज के बगल में खड़े होकर देखना एक सवाल है, इतनी ऑक्सीजन नहीं जा रही है, इन चीजों को देखने का काम डॉक्टर्स को करना है। और मैं तो स्वीकार कर रहा कि ये कमियां हैं और ये कमियां जो है ये कोई जानबूझकर नहीं है, ये कोई उपेक्षा नहीं है, लेकिन किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी इतना बड़ा तूफान आएगा। अभी 4 दिन पहले जो तूफान आया गुजरात में और महाराष्ट्र के इलाके के अंदर, ये तो मालूम था कि आएगा तूफान, सारे इंतजाम के बाद 100 लोग मर गए। तो इसलिए जो लेकिन 2020 में कोरोना से जो कहते हैं कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, तो सवाल तो सुशील कुमार मोदी जी यही है कि हमने तो गर्म दूध पिया था, जुबान जल गई थी, 4 महीने 5 महीने का वक्त मिला और मार्च से होली के बाद से ये तांडव शुरू हो गया कोरोना का, अब 4 महीने का और वक्त मिलेगा और अगला तांडव फिर इंतजार कर रहा है, तो ऐसे में क्या उस तांडव से जूझने के लिए जो कि बच्चों पर आफत बनकर आएगी ये डर मन में समा रहा है? हालांकि अभी ये लिटरेचर है, दस्तावेज कुछ इस पर कुछ पक्का नहीं है। नहीं देखिए अभी तो हमको दूसरे दौर पर ध्यान देना चाहिए, तीसरे दौर की भी तैयारी प्रारंभ हो गई है और लोगों का आकलन है कि तीसरे दौर में बड़ी संख्या में बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए राज्य सरकार अस्पतालों के अंदर बच्चों के लिए ICU, जो सामान्य ICU है और बच्चों का ICU दोनों में अंतर होता है, तो बच्चों के लिए ICU बेड, बच्चों के लिए वेंटिलेटर, वो अलग प्रकार का वेंटिलेटर होता है, तो सारी तैयारी राज्य सरकारें कर रही हैं। लेकिन अगर आपके घर में 20 मेहमान आने वाले थे और 100 मेहमान अगर आ जाएं तो जैसी व्यवस्था चरमरा जाती है, लेकिन ऐसे भारी मेहमान को संभालना भी काफी मुश्किल होता है क्योंकि ये मेहमान कोरोना है और कोरोना को संभालना इतना आसान नहीं, हम मान रहे हैं कि काफी सरकारी स्तर पर दिक्कत है। ब्रजमोहन जी एक सवाल आप, हाँ ब्रजमोहन जी के पास हम चलते हैं अपना सवाल। विवेक एक सवाल है, अस्पतालों में जगह ना रहे ये भी छोटा पड़ सकता है जी सवाल, मैं ये कोई दावा नहीं कर रहा। मोदी जी से एक सवाल है कि बिहार जैसे स्टेट में लगभग 12,000 करोड़ का बजट है हेल्थ का, क्या वो समय आ गया कि बजट को काफी बढ़ाना पड़ेगा? लेकिन आपको सरकार को धन्यवाद भी देना चाहिए, 1 साल के भीतर कोरोना का टीका भारत में बनना प्रारंभ हो गया, और केवल कोरोना का टीका ही नहीं तो टेस्टिंग के लैब और अब तो कोरोना की जो दवा है उसका भी निर्माण। सुशील कुमार मोदी जी एक अंतिम सवाल, 12,000 करोड़ के जो बजट का जो प्रावधान है उस प्रावधानों के मुताबिक हम कहां हैं, उस बजट के इर्द गिर्द हैं या फिर अभी बहुत दूर हैं? नहीं देखिए इस समय तो अगर कोई पैसे की कमी होगी तो दूसरे विभागों के भी बजट काट कर स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता हर सरकार को देना होगा। सड़क नहीं बनेगी, बिजली नहीं आएगी चलेगा, क्योंकि सड़क बिजली का तो इंतजाम हो गया, लेकिन इसलिए जहां से भी पैसा लाना पड़े, अगर हमको कर्ज भी लेना पड़े, आज आपने देखा होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 99,000 करोड़ रुपया भारत सरकार को दिया है, तो हमको कर्जा लेना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा, दूसरे विभागों के बजट में कटौती करनी पड़ेगी, लेकिन हम स्वास्थ्य की कीमत पर हम कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, इसलिए पहली प्राथमिकता। विवेक एक सवाल पूछे कि ये लगभग 4 दशक तक बिहार की राजनीति के शीर्ष पर रहे, तो चाहे राज्य अच्छा कर रहा हो या बुरा कर रहा हो उसके लिए इनको गालियां भी पड़ रही हैं, लोग सोशल मीडिया पर इनको गाली भी दे रहे हैं, ये स्थिति क्यों बनी है, इस तरह की स्थिति क्यों बन रही है बिहार में? सुशील कुमार मोदी जी, ब्रजमोहन जी का सवाल है, सरकार को गालियां खूब पड़ रही हैं ऐसे पैंडेमिक में, एक तो कोरोना अपना प्रभाव छोड़ा, दूसरा गालियां, तो क्या सरकार इससे विचलित तो नहीं हो रही है? सुशील मोदी जी को भी गालियां पड़ रही है युवा नेताओं के द्वारा? नरेंद्र मोदी हो, नीतीश कुमार हो, हम घबराने वाले लोग नहीं हैं, चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला करना, हम मैदान छोड़कर भागने वाले लोग नहीं हैं, हम लोगों ने हर चुनौती का मुकाबला किया है, उस पर विजय हासिल की है और इस चुनौती का भी मुकाबला करेंगे। स्वाभाविक है आलोचना भी होगी, निगेटिव जो जिनके घरों में लोग मर गए, जिनके लोग परेशान हैं,
उनकी बद्दुआ तो हमको मिलेगी, लेकिन हम हर चीज का मुकाबला करके व्यवस्था को और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आशा यही करते हैं कि व्यवस्थाएं अच्छी हो जाए, और गालियां तो अपनी जगह है लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार के बाद शाबाशी भी मिले सरकार को। सुशील कुमार मोदी जी, जो आप बात कह रहे हैं कि कहीं से कर्ज भी लेना पड़ेगा तो लेंगे, भगवान करे ऐसी दरकार ना पड़े, जो हमारे पास संसाधन है उसी से हम कुछ आविष्कार कर दें और ये होकर रहेगा अगर आपकी मंशा साफ है, स्पष्ट है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए ब्रजमोहन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी खबरों के लिए हमारे सभी दर्शक न्यूज 18 बिहार झारखंड से जुड़े रहें। This news is